हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने आईडियल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने एप्स में ओपन एड्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने एप्स में ओपन एड्स को इम्प्लीमेंट करना काफी ईजी होता है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि ओपन एड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन एड्स को प्रोजेक्ट या फिर मोबाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक्टिविटी ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एक्टिविटी कोई भी चूज करना होगा। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट का नेम ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन। एंड यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से आप सेव लोकेशन भी कर सकते हो। तो मैं अभी फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने लोडिंग प्रोजेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा एंड क्लोज हो जाएगा। अभी ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है, हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, ग्रेडल सिंक फिनिश इन 20 सेकेंड। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में आना है जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड इस पर क्लिक करना है एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन करना है एंड इसको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिपेंडेंसी, आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो डिपेंडेंसी को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ब्राउजर में चले जाते हैं जैसे हम ब्राउजर ओपन करेंगे आपके सामने गूगल सर्च बार का सर्च बार ओपन हो जाएगा। तो आपको वहां सर्च करना है ओपन एड्स। जैसे हम ओपन एड्स को सर्च कर देते हैं जो आपको फर्स्ट में लिंक दिखाई दे रही है ऐप ओपन एड्स एंड्रॉइड गूगल डेवलपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने गूगल एडमप का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो हम अभी जो गाइड्स यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके नीचे जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो गेट स्टार्टेड का पेज ओपन हो जाएगा। हम इसको अभी स्क्रॉल कर देते हैं नीचे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, हम इसको कॉपी कर देते हैं। मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें जो ऊपर जाना है मिनिमम एसडीके वर्जन आपको 16 कर देना है क्योंकि ओपन एड सिर्फ मिनिमम एसडीके 16 में ही वर्क करते हैं। अगर सपोज इससे ऊपर हुआ तो वर्क करेंगे, बट अगर सपोज इससे नीचे हुआ मिनिमम एसडीके वर्जन 15 या फिर 14 हुआ तो आपके इसमें एरर भी शो हो सकता है। अगेन हम अभी ब्राउजर में चले जाते हैं एंड इसको भी हम स्क्रोल कर देते हैं। आपको जो मेटा डेटा दिखाई दे रहा है हम इसको कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनिफेस्ट का हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं एंड जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको इसके नीचे हम मेटा डेटा को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे XXX एंड YYY दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे सैंपल ऐप आईडी को पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड जो आपको पैकेज नेम दिखाई दे रहा है इसके नीचे हम कुछ परमिशन यूज कर लेते हैं। यूजेस परमिशन इंटरनेट सेकंड, यूजेस परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट थर्ड, यूजेस परमिशन वाईफाई स्टेट एंड अभी हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो ग्रेडल बिल स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है बिल्ड सक्सेसफुल इन 9 सेकेंड। अभी हम इन दो प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं एंड यहां से भी इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अभी हम ब्राउजर में चले जाते हैं। अभी हमें ऐप ओपन एड्स पे क्लिक करना होगा जो एड फॉर्मेट में 4th 5th नंबर पे दिखाई दे रहा है ऐप ओपन एड्स, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ऐप ओपन एड्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं
जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू क्लास कॉल्ड माय एप्लीकेशन, तो हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी माय एप्लीकेशन नेम से। तो मैं माय एप्लीकेशन को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। एंड जो यहाँ पे पैकेज नेम दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड न्यू पे जावा क्लास में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ माय एप्लीकेशन नेम को एंड एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो माय एप्लीकेशन क्लास क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम ब्राउजर में जाते हैं एंड इसके कोड को कॉपी कर देते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है पैकेज के नेम के नीचे जो भी कोड है इसको हमें कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। तो मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड माय एप्लीकेशन क्लास में चला जाता हूँ। आपको जो पब्लिक क्लास माय एप्लीकेशन दिखाई दे रही है इसको मैं कंट्रोल ए से इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ एंड बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ। पैकेज नेम के नीचे आपको जो भी कोड हमने कॉपी किया था हम इस पर पेस्ट कर देते हैं। अगेन हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड इसको स्क्रॉल कर देते हैं। आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन के नीचे इस कोड को हम कॉपी कर देते हैं यहाँ तक कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाते हैं एंड जो मैनिफेस्ट फाइल दिखाई दे रही है आपको इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड एप्लीकेशन के नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे जो हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया था। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में ऐप डेमो को हम पूरा सिलेक्ट कर देते हैं एंड इसको हम बैकस्पेस से रिमूव कर देते हैं। एंड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैकेज नाम मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पूरे पैकेज नेम को। जैसे हम पैकेज नेम को पेस्ट करेंगे हमारा एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। अगेन हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड क्रिएट अ न्यू क्लास कर देते हैं ऐप मैनेजर के नेम से। तो मैं नेम को कॉपी कर देता हूँ ऐप मैनेजर को एंड प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ एंड जो पैकेज नेम है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड जावा क्लास में नेम एंटर कर देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। जो यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा है पब्लिक क्लास में इसको रिमूव कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड जो भी हमारा कोड है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इंपोर्ट से। तो पूरा ऑल कोड यहाँ तक, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगेन हम इसको कॉपी कर देते हैं इंपोर्ट से, हम यहाँ तक मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड ऐप मैनेजर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली कोड पेस्ट कर दिया है। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो आपको इसको रिमूव कर देना होगा इंपोर्ट को। जैसे हम इसको रिमूव कर देंगे हमारा एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका होगा। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं कोड के तरफ एंड आपको अभी इस वेरिएबल को कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से। आपको माय एप्लीकेशन में आना होगा एंड जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सटेंड एप्लीकेशन इसके नीचे हमें वेरिएबल को पेस्ट करना होगा। अगेन हम कोड के तरफ जाते हैं एंड जो आपको दिखाई दे रहा है इस कोड को हम कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी से एंड इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं एंड आपको ध्यान में रखना है फेज एड के नीचे जो कोड दिखाई दे रहा है इफ से, तो यहाँ तक हमें कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। अगेन हम अभी प्रोजेक्ट में आ जाते हैं एंड ऐप मैनेजर के तरफ चले जाते हैं। अब इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है फेज ऐड हमें इसमें पेस्ट करना होगा उस कोड को, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड इस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ लोड कॉल बैक को यहाँ तक कंट्रोल सी से। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड एंड जो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में मैं पेस्ट कर देता हूँ कोड को कंट्रोल वी से। बट आपको यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं तो आपको अल्ट एंटर प्रेस करना है एंड इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर देना है। जैसे हम अल्ट एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हमें अगेन ब्राउजर में जाना है एंड स्क्रोल कर देना है। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है कंट्रोल सी से। अगेन हमें ऐप ओपन मैनेजर क्लास में जाना है
एंड पब्लिक क्लास ऐप ओपन मैनेजर में इम्प्लीमेंट को पेस्ट कर देना है। बट यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है, तो आपको बल्ब पे क्लिक करना है एंड इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेथड क्रिएट हो जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको। तो आपको सबको यहाँ से रिमूव कर देना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने अभी कम्प्लीटली जो भी एरर एक्स्ट्रा था मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अभी हम ब्राउज़र की तरफ चले जाते हैं एंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन एक्टिविटी स्टार्टेड के नीचे, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर देते हैं एंड ऑन एक्टिविटी स्टार्टेड में पेस्ट कर देते हैं। अगेन हम स्क्रॉल करते हैं एंड इसको कॉपी कर देते हैं ऑन एक्टिविटी रिज्यूम के नीचे का कोड कंट्रोल सी से एंड ऑन एक्टिविटी रिज्यूम में पेस्ट कर देते हैं। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, इसका कोड हम कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी से एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं ऑन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय में। बट यहाँ पे एक एरर शो हो रहा होगा करंट एक्टिविटी, हम यहाँ पे अल्ट एंटर प्रेस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें अभी तक हमने एक वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं। जो ऊपर दिखाई दे रहा है प्राइवेट एक्टिविटी, इसको हम कॉपी कर देते कंट्रोल सी से एंड वेरिएबल को ऐप ओपन मैनेजर में पेस्ट कर देते हैं। तो मैं वेरिएबल को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हम वेरिएबल को पेस्ट करेंगे हमारा एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हमें अगेन ब्राउजर में जाना होगा एंड अभी इसे स्क्रोल करना होगा, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में, हमें इसको पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड जो आपको दिखाई ऊपर दे रहा है ऐप ओपन मैनेजर, हम इसमें पेस्ट करना होगा। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं, इसको स्क्रॉल कर देते हैं एंड इस वेरिएबल को हम कॉपी करेंगे, ऐप ओपन मैनेजर में इसको पेस्ट कर देंगे वेरिएबल को। अगेन हम ब्राउजर में जाएंगे एंड जो भी आपको कोड दिखाई दे रहा है पब्लिक वर्ड से, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक एंड कंट्रोल सी कर देता हूँ। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड प्रोजेक्ट में जाके हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा ऐप ओपन मैनेजर के नीचे, ठीक है, एंड पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। अगेन हम ब्राउजर में आ जाते हैं। अभी आपको जो डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड बिल्ड डॉट ग्रेटर में डिपेंडेंसी को पेस्ट करना होगा, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड इसको स्क्रॉल कर देते हैं। अभी हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर को कंट्रोल सी से एंड ऐप ओपन मैनेजर में चले जाते हैं एंड इम्प्लीमेंट मेथड में इसको पेस्ट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट्स इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसी पेस्ट की थी, हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी एंड फिनिश हो जाएगी, तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल सिंक फिनिश। अभी हम प्रोजेक्ट में जाते हैं ऐप ओपन मैनेजर में। अभी हमने इम्प्लीमेंट मेथड को ऐड कर दिया था। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऐप ओपन मैनेजर, हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा होगा, तो मैं अल्ट एंटर पेस्ट कर देता हूँ एंड इस कोड को भी मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगेन मैं ब्राउजर में चला जाता हूँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा
जो वेरिएबल मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड वेरिएबल में पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कोड इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से। आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है एंड ऐप पर सॉरी ऐप मैनेजर को ढूंढना है। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे लिखा है पब्लिक वॉइड ऑन ऐप ओपन एड लोडेड, आपको उसमें सर्च कर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे है पब्लिक वॉइड ऑन ऐप एड लोडेड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इसमें पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेम है आपको वैसा ही इसमें पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। आपको ये ढूंढना है पब्लिक बुलियन इज अवेलेबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है, पहले इसको आपको हटाना होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको अभी तक पेस्ट नहीं किया है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ का एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं। आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली कोड का काम हो चुका है। अभी हम प्रोजेक्ट को मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा कोड अभी कम्प्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 59 सेकेंड। अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। हम वेट करते तब तक। तो आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे सामने ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था वो ओपन हो चुका है। बट यहाँ पे ऐड शो नहीं हो रही। ऐड इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि हमारे इसमें थोड़ा नेट इशू है। तो मैं इसको क्लोज एंड ओपन करके बता देता हूँ मोबाइल ऐप्स को। हम चले जाते हैं ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन ऐप की तरफ। यह ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हम जब तक नेट इशू हमारा कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम ट्राई करके देखेंगे। इसको मैं 10 बार ओपन क्लोज करके देखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हमारे ऐप में अभी ऐड शो हो रहा है कंटिन्यू टू ऐप टेस्ट ऐड। यहाँ पे ओपन एड्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो मैं अभी ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंटिन्यू टू ऐप, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ एंड जो हमारा ऐप था ओपन एड्स इम्प्लीमेंटेशन वो अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप ओपन एड्स को प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि अपने ऐप्स में ओपन एड्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।